हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड 2021 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज जो आया है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आप लोग हमारे यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इंटर मूल्यांकन खत्म, रिजल्ट की तैयारी। इंटर का जो मूल्यांकन था वह खत्म हो चुका है, रिजल्ट की तैयारी कर हो रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड के इंटर मूल्यांकन का काम समाप्त हो गया है, अब रिजल्ट की तैयारी अंतिम दौर में है। दूसरे जिलों से अमूल्यांकित कॉपियों की जांच पटना में पिछले एक सप्ताह से करवाई जा रही थी। पटना जिले के 7 केंद्रों पर मूल्यांकन चल रहा था। गुरुवार को सभी 7 केंद्र पर मूल्यांकन समाप्त हो गया है। पटना जिला में 249,636 उत्तर पुस्तिकाएं थी। सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर ली गई है। पटना डीईओ के ने गुरुवार को इसकी रिपोर्ट बिहार बोर्ड को भेज दी है। ज्ञात हो कि पटना जिले में कुल 1,127 सह परीक्षक लगाए गए थे। बाहर से कुल 820 परीक्षकों को लगाया गया था। इसके अलावा अंकों को ओएमआर सीट में भरने के लिए 282 शिक्षकों को लगाया गया था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक यानी एक दिन में 50,000 कॉपियों की जांच। मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन कॉपियों का मूल्यांकन में पटना जिला में 12 केंद्र पर अभी 1,97,700 कॉपियों की जांच बची हुई है। गुरुवार को 52,604 कॉपियों की जांच की गई। अब तक कुल 5,16,360 कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है। पटना जिले में मूल्यांकन के लिए कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 7,14,060 कॉपियों की जांच होनी है। जिन कॉपियों की जांच हो चुकी है उसमें से 3,94,633 कॉपियों की कंप्यूटर पर एंट्री हो चुकी है। बाकी बची कॉपियों के मूल्यांकन की कंप्यूटर पर एंट्री जल्द करने के लिए कहा गया है। मैट्रिक मूल्यांकन के लिए जिले में 1500 शिक्षक लगाए हुए हैं। 12 मार्च तक कॉपियों की जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा है, यानी 12 मार्च तक इंटर का भी मैट्रिक का भी मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंटर का मूल्यांकन खत्म हो चुका है और रिजल्ट की तैयारी की जा रही है, और मैट्रिक का जो मूल्यांकन होगा वो 22 मार्च तक होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो रिजल्ट की तैयारी जल्दी ही हो जाएगी और रिजल्ट आप लोग का जल्दी घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।